गैदर करें, उनके नोट्स बनाएं हर टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल मीडिया है, मीडिया इन पाकिस्तान, सिंपल लेते हैं। अब इसके बारे में बहुत डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हर एंगल को कवर करके नोट्स बनाएं कि मीडिया के कॉन्सेप्ट क्या है, मीडिया के टाइप्स क्या हैं, मीडिया के बारे में कोटेशंस क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, मीडिया का रोल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, व्हाई मीडिया इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे एंगल्स लेते जाए, हर उसका कोई एरिया ना छोड़े इम्पोर्टेंट जिसके नोट्स आपके पास हों, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगेन वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप पढ़ लें, अच्छा अच्छी एक अप्रोच बना लें, फिर प्रैक्टिस करें, आउटलाइंस लिखें अलग से, इंट्रोडक्शंस लिखें, कंक्लूजन लिखें, पूरा ऐसे लिखें जब टाइम मिले आप, कोई जल्दी नहीं। फिर अगेन लास्ट थिंग बट नॉट द लिस्ट, असेसमेंट ज़रूर करवाओ। अगेन असेसमेंट भी वही है कि एक सब स्टैंडर्ड होती है, एक स्टैंडर्ड होती है। जितनी अच्छी असेसमेंट अच्छे टीचर से करवाएंगे उतना फ़ायदा होगा। अब वो गलतियाँ जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो एग्ज़ाम हॉल में ना करे जा। हम इसलिए फेल होते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं होती, असेसमेंट नहीं होता, वो गलतियाँ जो हम उधर ही सेम रिपीट करते हैं जाकर, बस हमारी एक वो फूल्स पैराडाइज हमारे माइंड में बन जाती है कि मतलब जो भी है वो सही, खुश फहमी चले जाते हैं। अब आ जाए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ऐसे कि हम ये गलतियाँ करते हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं, ब्रीफली बताऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, असल चीज़ यहाँ से शुरू होती है, आपकी कामयाबी और नाकामी इधर से पता चलती है। आप वैसे कितने एडवांस चले जाएं, यहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट करें। अक्सर हम लोग ऐसे क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि टीचर्स का कोई वे नहीं होता, कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, डायरेक्ट आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया, डायरेक्ट ऐसे अपना जो लिख के आया वो दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है मेरे भाई। एक प्रॉपर वे होता है लर्निंग का, टीचिंग का, ए टू जी हमने चलना है, कोहेरेंस, यूनिटी। तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम करते हैं वो टॉपिक हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम में अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो गलत लिखोगे 100%, छक्का लग जाए दूसरी बात है, वरना गलत है तो गलत है, फेल होना है आपने, बेशक आप कितने हज़ार वर्ड्स लिख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 2011 में एक टॉपिक आया था, द टाइम वी लिव इन इज़ विंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसे मैंने अटैम्प्ट किया था, आई हैव 50+ मार्क्स, और ये इसमें लोग फेल हुए थे सारे, कि जिस दौर में रह रहे हैं वो सर्दियों का दौर है। अब काफ़ी लोग पता क्या करके हैं, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, वो सर्दियाँ लिटरल सेंस में सर्दियाँ ही समझ रहे हैं, उन्होंने सर्दियों को बयान करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर लिखना शुरू कर दिया, साइबेरिया का, मुंबई का, कराची का, स्कर्दू का, ज़ियारत का, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, फलाएँ, फेल होने जा रहे हैं। तो हमें समझना है एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज विंटर रिफर टू। फॉर एग्जांपल विंटर के मतलब होता है कि हार्ड टाइम, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, टेंशन, तकलीफें, ट्रबल्स, सारी चीज़ें इस तरह की जो है नेगेटिव चीज़ें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, सारे वो विंटर में काउंट होते हैं। ये ऐसे भी डिस्कस करूँगा मैं कैसे होते हैं। या फॉर एग्जांपल अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। अल्लाह आपको लेमन के बाग दे तो अपना कारोबार लीमू पानी का शुरू कर दे, मतलब एक वो बिज़नेस अप्रोच पे काफ़ी चले गए कि भाई एक बंदे के पास लेमन के बागात हैं, वो अपने उसके जो है प्रोडक्शन बढ़ाए, लेमनेड जो है उसकी ब्रांचेस खोल रहे, रेंच रेस्टोरेंट्स खोल ले, फलां खोल ले। तो जाहिर है दिस इज़ रबिश। तो अंडरस्टैंडिंग लाजमी। अब कोई ऐसा टॉपिक होता है जो बिल्कुल सिंपल है, आप उसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शायद कम ही सुना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन इन पाकिस्तान, कभी आया नहीं है, मे भी आ जाए। पर अगेन बेशक आपने एजुकेशन पे दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ी हो, पर कम लोगों को पता होता है व्हाट द हेल इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या होती है।
यहाँ पर लोग सारे गलत पढ़ जाते हैं, वो समझते हैं कि यूनिफॉर्म लैंग्वेज उसको, यूनिफॉर्म एजुकेशन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और मदरसा सिस्टम को मर्ज करके उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज रॉन्ग। तो अगेन ये अंडरस्टैंडिंग के चैलेंजेस होते हैं हमारे पास, और हम समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है पास होंगे, पता तब लगता है जब फेल, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड किया ही नहीं, और आपको ये पता भी नहीं चलता कि अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको शायद ही कोई समझा पाए नहीं, आपने गलत लिखे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्लासरूम में सारे बच्चे हों, अमीरों के, गरीबों के, अंधे, लंगड़े, स्पेशल एजुकेशन जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, सब एक जगह बैठ के तालीम लें, ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट है। अगेन रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, जब आपने टॉपिक ही गलत चूज़ किया, उसकी सेंसिटिविटी क्या है आपको पता ही नहीं है तो फेल होना है आपने। ये उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो दे आर गोइंग टू अपियर इन स्पेशल सीएसएस एग्जाम, ये मैं डिस्कस करता हूँ आगे कि हमारी सिलेक्शन टॉपिक की कैसी होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए हमें, ये बहुत बड़ा आर्ट है ये। अब ऐसा नहीं कि आपने बस वो लिखना शुरू हो गए, बेशक कितना सिंपल हो उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाकर। उसके बाद प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते आप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ स्किल दैट नीड्स कंस्टेंट प्रैक्टिस। मैं एक चैलेंज करता हूँ, मैं आपको कोई ऐसे दे दूँ अभी, इस मोबाइल फ़ोन पर ऐसा लिख दें, यकीन करें मैं चैलेंज करता हूँ, 500 वर्ड का टारगेट देता हूँ, आप बगैर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे लिख के दिखाएं, पास होके दिखाएं, मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, नहीं कर सकते आप, कितना भी इजी टॉपिक हो। बैटरी लो, यस तलाल, बैटरी चार्जिंग पे लगा दे सर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपर है कैसे होती है, कौन सी टेक्निक से, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंस, जब आपकी रेलेवेंस ही नहीं है तो कुछ भी लिखते जाओ, योर नॉलेज डजंट मैटर एट ऑल, दुनिया भर की नॉलेज लिख दे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रेलेवेंस क्या होती है आगे बताता हूँ, थोड़े से रेलेवेंस के एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, बिज़ाहिर बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, इतने सिंपल के आपकी सोच है, पर आप इससे, इस टॉपिक में यकीन करें आप में से 98% फेल होंगे अगर मैं कहूँ कि इस पर लिखें। 98% ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो इरेलीवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, कर्स ऑफ करप्शन, कंसिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, जहाँ पे वो सारा स्कोर ख़त्म हो जाता, वो आधे से ज़्यादा बल्कि 70-80% जो लिखते हैं करप्शन पे, कि करप्शन क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है, IMF ने क्या कहा है, यूनेस्को ने कहा, UNO ने क्या कहा है, वो सारे डेफिनेशन लिखेंगे आप, फिर पाकिस्तान में करप्शन क्यों है उसके कॉजेज़ लिखेंगे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे, जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है वो आप 20% मुश्किल से लिखेंगे, तो ज़ाहिर है आपका स्कोर कम होगा। कितना भी अच्छा लिखो आपको 20 स्कोर मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, फेल होना है आपको। यहाँ पे ट्रिक होती है, जहाँ पे ये कॉलन आता है ना, कर्स ऑफ करप्शन कॉलन, यहाँ ट्रिक है। पंक्चुएशन इज़ वेरी पावरफुल, पंक्चुएशन का आपको पता नहीं मारे जाओगे। यहाँ पे क्या है, हमारा जनरल टॉपिक है करप्शन, कर्स ऑफ करप्शन, हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है करप्शन के पाकिस्तान के लिए, असल ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि करप्शन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आपका जो ऐसे होगा 70-80% इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैपन टू बी रेलेवेंट।